नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश के एकमात्र एम्स भोपाल जो कि कुछ सालों से भ्रष्ट डायरेक्टर सरमन सिंह के हाथ में है, जिससे डायरेक्टर की मनमानी और अपूर्ण ज्ञान के कारण एम्स बर्बाद होने की कगार पर आकर खड़ा हो चुका है। यह बात प्रदेश के मुखिया से लेकर एक आम नागरिक तक जानता है। एनएसयूआई मेडिकल विंग के प्रदेश समन्वयक रवि परमार ने कहा कि हमने एम्स भोपाल के डायरेक्टर के भ्रष्टाचार से लेकर जो भी इनकी हरकतें हैं उससे कई बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इससे तो यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार के मंत्री भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिले हुए हैं। नर्सिंग ऑफिसर ने बताया कि कई आउटसोर्सिंग नर्सिंग ऑफिसर 7 साल से और कई 3 साल से कार्य कर रहे हैं, लेकिन ईशा प्रोटेक्शनल सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 102 नर्सिंग ऑफिसर को 23 अगस्त के बाद नौकरी पर ना आने नोटिस थमा दिया। इसके बाद जब नर्सिंग ऑफिसर ने इसका विरोध किया तो फिर कंपनी ने फरमान जारी कर माफीनामा देने के लिए कहा, लेकिन इस महामारी से नर्सिंग ऑफिसर को निकलना बिल्कुल भी उचित नहीं है। रवि परमार ने कहा कि अगर एम्स प्रशासन और ईशा प्रोटेक्शनल सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने नर्सिंग ऑफिसर को नौकरी से निकालने के नोटिस वापस नहीं लिए तो एम्स के डायरेक्टर की गिरफ्तारी की मांग और कंपनी का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग को लेकर एनएसयूआई उग्र प्रदर्शन करेगी। मध्य प्रदेश का एकमात्र एम्स चिकित्सालय जो कि कुछ सालों से भ्रष्ट डायरेक्टर सरमन सिंह के हाथों में है और भ्रष्ट डायरेक्टर के कारण एम्स के प्रदेश के मुखिया से लेकर हर नागरिक को उसकी भ्रष्टाचारी का पता है, लेकिन उसके बावजूद केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई ना करना एक यहाँ बड़ा सवाल है। और वहीं एम्स के डायरेक्टर द्वारा 102 नर्सिंग ऑफिसर को बाहर का रास्ता दिखाना इस कोरोना महामारी में, एक तो केंद्र और प्रदेश की सरकार रोजगार से ना निकालने की वादे करती है, वहीं दूसरी ओर 102 नर्सिंग ऑफिसर जो कि कोरोना योद्धा है उन कोरोना योद्धाओं का बाहर का रास्ता दिखाना, और जब उन्होंने अपनी मांग को लेकर आवाज उठाई, मेल किए, ट्वीट किए, तब जाकर वो माफीनामे के लिए दबाव बना रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि वो यहाँ अपनी हरकतें बंद करें, नहीं तो एनएसयूआई उनके खिलाफ जल्द ही उग्र। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।